ये सोलर पैनल आ गया, ठीक है, इसकी आउटपुट पे इसके वोल्टेज आ गए, ठीक वो है, वोल्टेज गए इस बोर्ड में। ये बोर्ड जो है करंट सेंसिंग के लिए बना हुआ, ठीक है जी, ठीक है। अब ये क्या करता है कि वोल्टेज को रेजिस्टर के अंदर से गुजारता है ठीक है, और उसके अक्रॉस कुछ वोल्ट ड्रॉप होते हैं, अच्छा, उन वोल्टेज को ओप एम्प के जरिए से एम्पलीफाई कर रहा है, ठीक हो गया, ठीक है। और इसकी आउटपुट जो है वो आईसी को, माइक्रो कंट्रोलर को चली जाती है, ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर इसको रीड कर लेता है एज ए करंट, एज ए करंट। इस सर्किट की जो आउटपुट है जी वो वोल्टेज अभी आपने बक करने हैं, MPPT से गुजारने हैं, जी जी, तो उसके लिए वो वाले वोल्टेज आपको बक सर्किट की इनपुट के तौर पे यूज करने पड़ेंगे, यूज करने पड़ेंगे, तो जो उसकी आउटपुट है उनमें से जो नेगेटिव है वो तो ग्राउंड हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा, लेकिन जो पॉजिटिव है वो आएगा इस सर्किट के अंदर, ठीक है, और मेन बोर्ड के अंदर से PWM का सिग्नल ड्यूटी के हिसाब से आएगा इस बोर्ड को, यानी कि इस बोर्ड को सप्लाई मिल गई, ग्राउंड और सिग्नल मिल गया, मिल गया, ठीक है। अब इसकी आउटपुट पे जो वोल्ट मिलेंगे वो बक होके मिलेंगे अकॉर्डिंग टू MPPT, ठीक है। और ये वाले वोल्टेज चले जाएंगे बैटरी को, बैटरी को, और बैटरी की सप्लाई ही इसी बोर्ड की इनपुट है, ये वाला बोर्ड बैटरी की सप्लाई से चलेगा, ये वाला बोर्ड जी, ठीक है। अब ये वाला बोर्ड क्या करता है कि सोलर करंट रीड करता है, अच्छा, और सोलर वोल्टेज जो आ रहे हैं इनपुट पे, ये वाले वोल्टेज इस सर्किट के अंदर एंटर होते हैं, यहाँ पे एक डिवाइडर सर्किट लगा हुआ है जो वोल्टेज को डिवाइड करता है और कंट्रोलर को दे देता है, ठीक है। तो कंट्रोलर इस डिवाइडर सर्किट की मदद से और इस सर्किट की मदद से करंट और वोल्टेज रीड कर लेता है, और जो बैटरी के वोल्टेज है, बैटरी के वोल्टेज जाहिर है ये इसकी आउटपुट, उसके बैटरी के वोल्टेज है, ये एक डिवाइडर लगा हुआ है बैटरी के वोल्टेज में, ये इसकी आउटपुट भी जा रही है माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो कंट्रोलर इन तीनों पैरामीटर्स को एज ए इनपुट रीड कर लेता है, उसके बाद MPPT का एल्गोरिथम अप्लाई करता है और उसके हिसाब से ड्यूटी जो निकल रही है वो बक सर्किट को जाती है, उसकी आउटपुट जो है ना वो बैटरी चार्ज करेगी, बैटरी चार्ज, ठीक है, ठीक है। साथ साथ ये कंट्रोलर LCD के ऊपर रीडिंग्स अपडेट करेगा और साथ साथ LEDs के जरिए से बैटरी की चार्जिंग की परसेंटेज दिखाएगा, एक LED मीन 0%, दो LEDs 25%, तीन मतलब 50%, इस तरह से, ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर इंडिविजुअली देखा जाए बोर्ड्स के अंदर कि ये बोर्ड कैसे काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले इस बोर्ड में ये बोर्ड इनपुट का, ये वाला कनेक्टर लगा हुआ है इनपुट का, ठीक है, इसमें से सप्लाई आती है पॉजिटिव, इस डायोड के अंदर से गुजरती है, ठीक है, डायोड की आउटपुट जो है वो बक सर्किट की इनपुट बन जाती है, ठीक है, ताकि इस सर्किट में से अगर कोई वोल्टेज सोलर की तरफ जाना चाहे तो वो ना जाए, अच्छा, ठीक है। माइनस वाली जो नेगेटिव वाली वायर है वो रेजिस्टर के थ्रू गुजारी हुई है और रेजिस्टर की आउटपुट जो है वो ग्राउंड है, ग्राउंड है, ठीक है। अब चूंकि माइनस वाले वोल्टेज इनपुट है और इस रेजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज आप होंगे वो माइनस होंगे, तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर लगा कर उन वोल्टेज को पॉजिटिव में भी बदल लिया और एम्पलीफाई भी कर लिया, ठीक है। तो इस सर्किट की जो आउटपुट है उस पर एक सिग्नल जनरेट होगा, एक एम्पेयर के अगेंस्ट एक वोल्ट का, ठीक है। मैंने रेजिस्टेंस लगाई हुई है 0.1 ओम की, ठीक है। इट्स मीन अगर एक एम्पेयर गुजरेगा तो कितने वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप होंगे, 0.1 मैंने उसको 100 गुना एम्पलीफाई किया हुआ, ठीक है। 100 किलो ओम की रेजिस्टर लगाई हुई है, ठीक है, फीडबैक पे, और साथ में 10K की वेरिएबल ताकि फाइन ट्यूनिंग की जा सके, और जो ये वाले वोल्टेज हैं 0.1 वोल्ट वो 10 किलो ओम से गुजार के ओप एम्प के इनपुट पर दे दिए हैं, इन्वर्टिंग इनपुट पे, तो सीधा सीधा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है 10 गुना गेन के साथ, ठीक है, हो गया। ये इस सर्किट की फंक्शनलिटी थी। अच्छा, ये बक कन्वर्टर है, इसमें ये वाला IC जो है TLP250 ये MOSFET का ड्राइवर है, ये MOSFET है, ये MOSFET के जो गेट पे वोल्टेज जाएंगे उनके सीरीज में एक रेजिस्टर लगाई हुई है और ये एक जेनर है ताकि ज्यादा वोल्ट से बचा जा सके, ये इंडक्टर का काम कर रहा है, ये दोनों डायोड बैक EMF को सप्रेस करते हैं, ये कैपेसिटर फिल्टर करते हैं इस बक कन्वर्टर की आउटपुट को, और ये वो सप्लाई जो है वो बैटरी में चली जाती है, ठीक है। ये कंट्रोलर का बोर्ड है, इस कंट्रोलर को क्रिस्टल चाहिए फ्रिक्वेंसी जनरेट करने के लिए, उसकी फ्रिक्वेंसी स्टेबल रखने के लिए दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, ठीक है, और
इसकी जो सप्लाई है 5 वोल्ट वो ये वाला सेक्शन बना रहा है, इसमें क्या है एक स्विच लगा हुआ है पावर अगर आपने ऑन ऑफ करनी है तो, ठीक है। दूसरा इसकी आउटपुट पे एक डायोड लगा हुआ है ताकि अगर आप गलती से बैटरी की सप्लाई उल्टी लगा देते हैं इस बोर्ड को तो ये ना चले, डैमेज ना हो, ठीक है। ये एक आईसी लगा है 7805 वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए और इसकी आउटपुट पे भी एक कैपेसिटर लगा है ताकि अगर कोई नॉइस रह गया तो उसको फिल्टर करने के लिए, ठीक है। तो 5 वोल्ट इस आईसी को चलेंगे, इस एलसीडी को चलेंगे और इस एम्पलीफायर को भी चलेंगे, ठीक है। बाकी ये इसमें डिवाइडर सर्किट है, रजिस्टर नेटवर्क, एक वेरिएबल रजिस्टर और एक फिक्स रजिस्टर। इन ये डिवाइडर सर्किट इस तरह से काम करता है कि अगर आपके बैटरी के 12 वोल्ट है ना तो इसकी आउटपुट पे 1.2 वोल्ट मिलता है। अच्छा, कंट्रोलर इनको रीड कर लेता है और अंदर प्रोग्रामिंग में उसको मल्टीप्लाई करके 12 वोल्ट कर लेता है तो वो आपको डिस्प्ले भी करवा देता है, ठीक है। बाकी इस सर्किट की प्रोग्रामिंग के लिए मैंने ICSP यूज़ किया हुआ है, इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग, और उसकी जो प्रोग्रामिंग की पिन हैं वो मैं इस कनेक्टर के ऊपर ले आया। इसको आप लगा दें बर्नर के साथ, माइक्रोचिप कंपनी जिस कंपनी ने आईसी बनाया उन्होंने एक बर्नर भी बनाया था PK2, तो ये वाला उसका क्लोन है। इसकी जो आउटपुट है ना वो सीधी इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी और आप कंप्यूटर से इसमें नया प्रोग्राम डाल सकते, ठीक है, ठीक है। तो ये इसमें बैटरी लगी हुई है 12 वोल्ट की, ठीक है, और 1.5 एम्पीयर की है, ठीक है। और आउटपुट पे अगर आपने बैटरी को डिस्चार्ज करना है, लोड के तौर पर एक LED लगी हुई है जो कि बैटरी को डिस्चार्ज कर देगी, ठीक हो गया जी, ठीक है। ओके, बंद कर लेते हैं।